नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट लेकर। अपडेट में आपको बता देता हूं, देखिए राजस्थान के अंदर ये हो गया है कि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, हमें संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, अपनी बात रखने का, सभा करने का, और अगर कहीं का गलत हो रहा है युवाओं के साथ तो युवा उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन उस आवाज को देखिए यहां पर राजस्थान के अंदर दबाया जा रहा है। सुबह से ही आप सोशल मीडिया पर खबरें देख रहे होंगे, न्यूज चैनल्स पर भी खबरें देख रहे होंगे कि देखिए यहां पर आज 30 सितंबर को जयपुर के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, एक तरफ कहते हैं रीतो उत्सव हुआ है और एक तरफ देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए इस पूरी खबर में मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए रीट के अंदर जो नकल चली थी और देखिए यहां पर नकल माफियाओं ने रीट एग्जाम को, ऐसे एग्जाम को किस तरह से अपने शिकंजे में ले लिया था वो आप सबने देखा है। देखिए यहां पर देखिए एक मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर एक तो देखिए चप्पल के अंदर डिवाइस मिला, आपने देखा होगा ये खबर, ठीक है। देखिए यहां पर अधिकारियों के पास भी पेपर पहुंच चुका था, ठीक है, रीट एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका, और एक तरफ देखिए सरकार ने यहां पर नेटबंदी भी की, उसके बावजूद भी यहां पर नकल माफिया एग्जाम को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया, रीट एग्जाम पूरी तरह से लीक हो चुका है। और अब मैं आपको बता दूं कि देखिए अब युवाओं की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। आपने सुबह से खबरें देखी होंगी, आज आंदोलन होना था 30 सितंबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर। देखिए यहां पर आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे भाई उपेन यादव को देखिए पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक पुलिस ने उनको छोड़ा नहीं है। किस मुकदमे में बंद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर सड़ासर देखिए संविधान का उल्लंघन है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, हमारे बोलने की जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को देखिए यहां पर कुचला जा रहा है। मैं संवैधानिक बात करूंगा, इस पूरी खबर का विश्लेषण करूंगा कि आपने देखिए किस आधार पर गिरफ्तार किया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और देखिए एसआई भर्ती के अंदर भी नकल हुई थी, रीट में भी नकल हुई थी, नीट में भी नकल हुई थी, और देखिए इसमें क्या गलत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए मांग उठा रहे हैं कि एग्जाम के अंदर अगर कहीं गलत हुआ है, नकल माफिया आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप अभ्यर्थियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये संविधान के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक कृत्य हो रहा है राजस्थान के अंदर बेरोजगार युवा साथियों के अंदर। देखिए नौकरी के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको दबाया कुचला जा रहा है, नौकरी दी नहीं जा रही, इनसे नकल माफिया कंट्रोल में। देखिए मैं बात करें तो संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोले, चाहे जनसभाएं करें, ठीक है, चाहे हम जुलूस निकालें या हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन यहां पर देखिए धरना प्रदर्शन को रोकने का काम यहां पर सरकार कर रही है जो कि अनैतिक है, युवाओं को यहां पर दबाया जा रहा है। आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि भाई इस तरह से अगर सरकार युवा साथियों को, अभ्यर्थियों को दबाएगी, कुचलेगी तो देखिए आगे क्या होगा ये आपको भी पता है। अगर इस तरह की नीतियां राजस्थान के अंदर चलाई जा रही हैं, पुलिस देखिए यहां पर सुबह गिरफ्तार करके ले गई थी, आपको बताइए देखिए क्या कसूर है, क्या अपने हक के लिए लड़ना, किसी के हक के लिए लड़ना क्या गलत है, क्या कानून के खिलाफ है, ये इस चीज को देखिए साबित करना पड़ेगा कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए यहां पर सभी नागरिकों को बोलने का अधिकार है, बोलने की यहां पर देखिए स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक और यहां पर सम्मेलन करने की, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो वहां कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई लड़ाई तो हो नहीं रही है, अभ्यर्थी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार जगने की बजाय देखिए अभ्यर्थियों को यहां पर दबाने की कोशिश कर रही है, ये सुबह से आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। और देखिए फिर आगे बोलता हूं, देखिए संगम और संघ बनाने का अधिकार है तो हम बना सकते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ना कि कोई तानाशाही चल रही है यहां पर, और इस तरह से जो तानाशाही सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवाध संरचना, कहीं भी घूमने का अधिकार है, हम घूम सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, जिस संविधान के आधार पर सरकारें चलती हैं वो संविधान नागरिकों को भी अधिकार देता है, ठीक है, मौलिक अधिकार हमको दिए गए, उन मौलिक अधिकारों के आधार पर, उन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई काम कर रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हाँ वो एक अलग बात है, अगर प्रशासन अगर हमसे पूछताछ करता है तो वो हम उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा जवाब देते हैं हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप रोक नहीं सकते,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 का आर्टिकल 19 का यहाँ पर पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए संविधान ने जो अधिकार दिया उस पूरे अधिकार को यहाँ पर खत्म कर दिया है। ये पूरा कृत्य आज सुबह से देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है, नहीं होना चाहिए। तो सभी अभ्यर्थियों से ये कहूंगा कि आप अपनी मांग उठाइए, तेज करिए। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिया है, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करिए और अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है बोलने का, अपने सही बात रखने का अधिकार देता है, तो आप अपनी सही बात रखिए। तो देखिए उपेन्द्र भाई को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, वो जायज नहीं है, नाजायज है, उनको रिहा करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे और गृह मंत्रालय भी उनके पास ही है, तो हम उनसे ही निवेदन करेंगे कि देखिए ये सही नहीं है, ये गलत हुआ है, तो आप तुरंत प्रभाव से उनको रिहा करने का कार्य करें ताकि देखिए ये जो अनुच्छेद 19 है उसका उल्लंघन न हो। आप बखूबी जानते हैं किस तरह से काम करना होता है, लेकिन ये जो हुआ है आज वो बिल्कुल ही गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए अभ्यर्थियों को, युवाओं को, अगर यूथ को आप दबाओगे, कुचलोगे, तो देखिए आगे जाकर इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखिए ये उंगली की ताकत आप जानते हैं, इस मत के अंदर ताकत है, उसी की सरकार है। देखिए ये जनता की चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र होना चाहिए यहाँ पर, हम लोगों ने जनता सरकार चुनी है, ठीक है। तो अगर हमारे अधिकारों को, जनता के अधिकारों का हनन यहाँ पर अगर कोई सरकार करेगी तो वो तानाशाह सरकार मानी जाएगी। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा तुरंत प्रभाव से उनकी रिहाई की जाए। देखिए यहाँ पर हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश ना करें, अन्यथा देखिए आपको आगे जाकर और भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए वोट की ताकत जनता के पास है, वोट की ताकत यूथ के पास है। तो भाइयों आप सभी इस पूरे संदेश को लगातार शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जी आप इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करें, और आप सभी इस पूरे संदेश को शेयर करें क्योंकि संदेश जन जन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया कि अनुच्छेद 19 के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 19 के आधार पर पूरा यहां पर हम अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। तो जो गलत नहीं है बिल्कुल सही है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ, और देखिए जैसे ही उपेन्द्र भाई की रिहाई होगी वो हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी, खुशी की खबर होगी, और हमारे अनुच्छेद 19 का यहां पर उल्लंघन नहीं होगा अगर रिहाई हो गई तो। अगर इस तरह से देखिए दबाया कुचलाया जाएगा तो वो बहुत ही गलत है। फिर आते हैं एक अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते की जीत होनी चाहिए, सत्यमेव जयते।